कैसे हैं आप लोग। तो गाइस आज की वीडियो जो होने वाली है बहुत ज्यादा कमाल की होने वाली है। अक्सर मेरी वीडियो के नीचे कमेंट्स आते रहते हैं कि भाई हम अकेले वीडियोस बनाते हैं, हमारे पास कोई भी वीडियो बनाने वाला कोई दूसरा पर्सन नहीं है, मतलब कोई भी कैमरामैन नहीं है। ठीक है, मेरे पास तो मेरा भाई है जो वीडियोस बना देता है मेरी। तो वो लोग कहते हैं कि भाई कुछ ऐसा बनाकर दिखाओ ना जिसमें हम मोबाइल होल्ड करके अपनी वीडियो को खुद से खुद ही बना सकें, किसी दूसरे की जरूरत पड़े ही ना। तो आज की वीडियो में आप लोगों के लिए एक ऐसा सेटअप ले आया हूँ जिसमें आप अपने मोबाइल होल्ड करके बहुत ही आसानी से वीडियोस बना सकते हो। साथ ही सारी चीजों का ध्यान भी रखा है कि आप इसमें आउटडोर और इनडोर दोनों तरह से वीडियो बना सकते हो। ठीक है, मल्टीपल कामों के लिए भी इसको यूज कर सकते हो। तो बहुत ज्यादा काम की वीडियो होने वाली है। अगर इस चीज को आप बना लेते हो आप अकेले ही मोबाइल होल्ड करके बहुत ही आसानी से वीडियोस को बना सकते हो अपनी। ठीक है, चलो जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। जिन लोगों ने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो गाइस सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें आनी बाकी है। हमारे चैनल पे आपको रेगुलर ऐसे प्रोजेक्ट्स मिलते रहते हैं। ठीक है, अगर देखना है तो सब्सक्राइब कर लो और घंटी बटन को दबाकर ऑल पर सेट कर लो जिन लोगों ने नहीं किया है। ठीक है, वीडियो को लाइक कर देना यार, लाइक करना तो बनता है, इतनी मेहनत कर रहा हूं तो लाइक जरूर कर देना। चलिए शुरू करते हैं। इस कमाल के प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हम वर्किंग पर आ चुके हैं और यहाँ पे हमारा सेटअप थोड़ा सा चेंज हुआ है। पीछे हमारा वॉल आ गया है। ठीक है, और ये सेटअप किस तरह का है आप मुझे कमेंट करके बताओ। और आज से हम इसी सेटअप पे सारे वीडियोस बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे हमें इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे मेन मटेरियल के रूप में कुछ पाइप है जो कि यहाँ पे 20 mm का है लगभग में, और आप ये वाला ले सकते हो। ठीक है, इस तरह का आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे छोटे छोटे पीस है जिनका हम यूज करेंगे, और बाद में बड़ा पीस भी है, अगर कुछ कम होगा तो इसका भी यूज हो जाएगा। तो चलो जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत ही यूजफुल सी वीडियो होने वाली है, स्पेशली यूट्यूबर्स के लिए, मेरी तरह वीडियो क्रिएटर्स के लिए, उनके लिए तो बहुत अच्छी होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं, आप लोग वीडियो में कंप्लीट बने रहो। यहाँ पे देख सकते हो इस तरह का मैंने एक पीस ले लिया है जो कि ऑलरेडी कटआउट पड़ा हुआ था, और यहाँ पे होल्स वगैरह किए हुए हैं जिससे पता चल रहा है इसे पहले किसी प्रोजेक्ट में हमने यूज किया हुआ है, लेकिन इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इसका यूज कर सकते हैं अभी भी। और ये लगभग 14 इंच का पीस है। ठीक है, और हम इसका यूज करने वाले हैं, और मेजरमेंट मैंने आपको बता दी, ये 14 इंच का है। और यहाँ पे हम ये भी यूज करने वाले हैं। अब इस तरह से इसको आपस में कनेक्ट करना है, तो कनेक्ट करने के लिए तो हम इसको पहले कर ही लेंगे। आपको पहले दिखा दूँ कि यहाँ पे आप जितना लंबा रखना चाहो रख सकते हो अपने सेटअप के हिसाब से, लेकिन मैंने इतना ही रखा। तो चलो अब इसको इससे कनेक्ट करने के लिए इसके ऊपर रफ करते हैं जिससे कि ये कुछ इस टाइप का हो जाए। ठीक है, यू टाइप का बन जाए यहाँ से, कुछ यू टाइप का। ठीक है, तो चलो कर लेते हैं। गाइस यहाँ पे जैसे तो इस तरह से हमने इसे यू का आकार दे दिया है, और अब क्या होगा इसके ऊपर हम इसे आसानी से चिपका पाएंगे। ठीक है, फेविक्विक से चिपका लेते हैं। उससे पहले यहाँ हम इसे इस होल के ऊपर चिपकाएंगे जो कि ऑलरेडी बना हुआ है। इस होल का हम बाद में कुछ काम ले लेंगे, वायरिंग वगैरह का। ठीक है, तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा ऊपर से घिस देते हैं जिससे कि बहुत मजबूत पकड़ बन जाए। बस यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरह से हमने इसको चिपका लिया है। ठीक है, और एक्स्ट्रा मजबूती के लिए यहाँ पे हमने इसको ग्लू गन से भी चिपका लिया है। तो कुछ इस तरह का ये बन चुका है। और अब क्या करना है, इसके बाद यहाँ पे हमें इसमें लाइट भी फिट करनी होगी। तो लाइट फिट करने के लिए ऑलरेडी हमने इसे एक होल के ऊपर चिपकाया था, तो यहाँ से सीधा हम वायर को पास कर सकते हैं। ठीक है, और लाइट हम चाहे तो यहाँ लगा सकते हैं, यहाँ लगा सकते हैं, चाहे तो मूव होने वाला भी लगा सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम यहाँ पर लगा लेते हैं। लाइट के रूप में हम इनका यूज़ करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल और तेज लाइट होती है। ठीक है, और ये ऑलरेडी यहाँ पे पैरेलल में जुड़ी हुई है, तो यहाँ पे हम इसको चिपका लेते हैं। ठीक है, थोड़ी सी जगह छोड़ कर ही चिपकाते हैं क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा हमें और काम करना है। तो चलो कर लेते हैं। गाइस वायर पास करने के लिए यहाँ पे हम एक होल इस साइड में, होल करते ही वायर यहाँ से निकाल कर अंदर जाते हुए डायरेक्टली यहाँ से बाहर निकाल सकते हैं। तो चलो कर लेते हैं। यहाँ पे देखते तो इस तरह से शोल्डर कर दिया है वायर को, और एक्स्ट्रा वायर यहाँ से निकाल लिया, बाद में यहाँ से निकाल लेंगे। उससे पहले यहाँ पे एक होल नजर आ रहा है। ठीक है, तो इसका यूज करते हैं, यहाँ पे हम स्विच लगा लेते हैं। तो यहाँ पे इस होल को थोड़ा सा बड़ा करेंगे, और ये मैं खुद का बनाया हुआ स्विच का यूज कर रहा हूँ जिसको मैंने पिछले ही वीडियो में बनाया था। ठीक है, कैसे बनाया था आपको पिछले वीडियो का जो लिंक है वो मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, या फिर आई बटन पे देख लेना वहाँ जाके, या फिर लास्ट में आपको वीडियो शो हो जाएगी। तो चलो जल्दी से इसको यहाँ पे लगा लेते हैं। तो गाइस यहाँ पे स्विच के लिए एक होल कर लिया है। अब क्या करना है, दोनों में से कोई एक वायर लेनी है। ठीक है, और यहाँ पे हम इसको कट कर लेते हैं और स्विच को यहाँ पर लगा लेते हैं। तो गाइस यहाँ पे मैंने स्विच लगा लिया है। ठीक है, जो कि मेरे खुद का बनाया है, आप चाहो तो खुद दूसरा स्विच लगा सकते हो। ठीक है, लेकिन ये मेरे पास था तो मैं सोचा चलो इसका भी यूज़ कर ही लेते हैं। और अब ये जो वायर है इसको हम यहाँ से निकाल लेते हैं ताकि जब हम इसको स्टैंड के रूप में खड़ा करें तो हमें ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो गाइस अब यहाँ पे मेन पॉइंट ये है कि हमें यहाँ पे अपना स्मार्टफोन कैसे फिट करना है।
तो उसको फिट करने के लिए यहाँ पे हमारे पास इस तरह का एक हैंगर टाइप का है जिसमें हम स्मार्टफोन फंसा सकते हैं, ठीक है। और ये मैंने आपको पिछले 2-3 वीडियो में बनाकर दिखाया है अलग अलग प्रोजेक्ट में, ठीक है। इसको कैसे बनाते हैं ये मैं आपको थोड़ी सी क्लिप शो कर देता हूँ कि मैंने इसको कैसे बनाया था। उसके बाद यहाँ पे हम इसको फिट कर लेंगे। तो गाइस हमें यहाँ पे इसको स्टेबल तरीके से लगाने के लिए इस तरह का एक यू शेप इस तरह से बना लिया है, ठीक है। और अब इसको यहाँ पे चिपका देंगे, इसके ऊपर एक पीस चिपका कर फिर हम इसको यहाँ पे आराम से लगा सकते हैं। तो चलो कर लेते हैं। तो गाइस यहाँ पे हमारा लगभग में काम डन हो चुका है। यहाँ पे देख सकते हो ये भी लग चुका है, ठीक है, जिसमें हम अपना मोबाइल आराम से होल्ड कर सकते हैं अब। और अब सबसे बड़ी बात ये है कि इसे यहाँ पे फिट जहाँ भी आपका टेबल वगैरह है जो भी है वहाँ पे इसे फिट कैसे करना, एक जगह इसे मजबूती से एक जगह फिट करना पड़ेगा, तब जाके यहाँ पे आपने मोबाइल का एंगल यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो और आराम से मोबाइल लगा के काम कर सकते हो। तो मान लेते हैं अगर हम इसे यहाँ पे फिट करते हैं, ठीक है, तो वो मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ कि यहाँ पे हम कैसे करने वाले हैं। वैसे यहाँ पे तो इस तरह से कुछ विंग्स जैसा बना लिया जिस तरह से रॉकेट वगैरह में होता है, ठीक है, उस टाइप से बना लिया। इससे क्या होगा ना, आप चाहते हो एक यहाँ पे लगा सकते हैं लेकिन मैं 3 साइड ही लगा है। अब इसको एक बहुत ही तगड़ा बेस मिल गया है नीचे जमे रहने के लिए, तो अब क्या कर सकते हैं यहाँ पे कुछ पीसी के पीसेस चिपका लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद देखते हैं क्या करना है। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरह से हमने पीसी यहाँ पे चिपका लिए छोटे छोटे पीस, ठीक है। अब क्या करना है ना, यहाँ पे आप चाहो तो देखो यहाँ पे आप स्क्रू कर सकते हैं आपका जो भी टेबल वगैरह है यहाँ पे स्क्रू से कस सकते हो इसको, ठीक है। लेकिन भाई मेरे पास तो यहाँ पे हमारा कैमरा मैन है ही, मेरा भाई खुद ही है, ठीक है, तो यहाँ पे मुझे अपने टेबल को ख़राब करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि बाद में मुझे इसे निकालना पड़ेगा। तो इसलिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा आपको दिखाने के लिए, मैं यहाँ पे इसको ग्लू गन से चिपका लूँगा जिससे बाद में आराम से इसको रिमूव कर सकूँ, सिर्फ आपको टेस्ट कराने के लिए इसको चिपकाऊंगा। तो चलो यहाँ पे दिखाता हूँ। यहाँ पे आप इसको नट बोल्ट से कस सकते हो या फिर स्क्रू से यहाँ पे बढ़िया से कस दोगे तो ये बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगा, बिल्कुल कहीं भी नहीं जाने वाला है। तो चलो कर लेते हैं। गाइस यहाँ पे देख सकते हो किस तरह से हमने इसको चिपका लिया है, इससे भी काफी मजबूती से चिपक जाएगा, लेकिन हाँ यहाँ पे आप स्क्रू से कस लेना वो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए क्योंकि आप इसका परमानेंट यूज करने वाले। तो यहाँ पे पहले इसका लुक देख लो कितना मस्त लग रहा है बिल्कुल टेबल के साथ, ठीक है, थोड़ा सा पीछे जाकर दिखा देना। तो देख सकते हो टेबल के साथ कितना मस्त सा लुक आ रहा है। यहाँ पे लाइटनिंग कंडीशन भी अच्छी करते हैं, हमने लाइट लगा दी काफी तेज वाली, ठीक है। वैसे तो हम आउटडोर वीडियो बनाते हैं और दिन को वीडियो बनाते हैं, लेकिन अगर आप रात को रूम में वीडियो बनाते हो हमेशा तो इस तरह से आप कर सकते हो, जो आपको पूरा सब कुछ दिखा दिया है। यहाँ पे स्विच लगा सकते हो, इसकी जगह पे मैंने ये लगाया खुद का बनाया हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे आपको इसकी टेस्टिंग दिखा देते हैं इससे वीडियो किस तरह से शूट होगी, ठीक है। यहाँ पे हम एक मोबाइल लगाएंगे और आपको दिखाएंगे किस तरह से इसका वीडियो शूट होता है, क्वालिटी किस तरह की आती है, क्या कैसा है। और यहाँ पे एडजस्टेबल भी आप बना सकते हो, चाहे तो मोबाइल को ऐसे ऐसे करने वाला, ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरह के फीचर इसे देना चाहते हो। तो चलो आप इसको टेस्ट करके देखते हैं। तो गाइस यहाँ पे सबसे पहले तो इस तरह का कोई भी स्मार्टफोन आपको ले लेना है और मैं इसी मोबाइल से करके दिखाऊंगा क्योंकि ये मोबाइल तो हम शूट करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो बस यहाँ पे इस तरह से आप लगा सकते हो मोबाइल को, ठीक है, बस कुछ इस तरह से आप लगा लो और यहाँ पे आपका वीडियो को जिस तरह से शूट होगा। ओह गाइस क्या दुर्घटना हो गई हमारे साथ, ठीक है। तो मैंने तो आपको पहले कहा था कि यहाँ पे ग्लू गन से इसको नहीं चिपका सकते क्योंकि फिर मैंने बाद में इसको मजबूरन फैब्रिक से चिपकाया, हालांकि हमारे टेबल इससे ख़राब हो सकता है, ठीक है, बाद में क्या पता नहीं निकलेगा, छाप छूट जाएगा, लेकिन आपके लिए कुछ भी चलेगा, ठीक है। मजबूती से चिपकाने के लिए यहाँ पे मैंने फैब्रिक से इसको चिपका दिया है, आपको बस क्या करना है नट बोल्ट से यहाँ पे लगा देना, हो गया, फिर वहाँ पे तो आपका हिलने भी नहीं वाला। तो कुछ इस तरह का हो चुका है, अब यहाँ पे मोबाइल भी लग चुका है,
और अब आपको इसकी रिकॉर्डिंग वगैरह करके दिखाता हूँ थोड़ा सा। गाइस यहाँ पे थोड़ा सा अंधेरे में आपको ले आया हूँ, जिससे कि मैं आपको चीज़ें बढ़िया से दिखा पाऊँ, ठीक है, किस तरह से इसका कैमरा वगैरह काम करेगा। तो यहाँ पे देखो इस तरह से मोबाइल का कैमरा ऑन किया, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरह से नीचे मेरा हाथ है, ये देख सकते हो यहाँ पे स्क्रू ड्राइवर है, और यहाँ पे आराम से जो भी चीज़ें हम बनाते हैं वो बनाते हुए दिख सकते हैं, ठीक है। इसकी कैमरा क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन बस आपको दिखाने के लिए किस तरह से हो रहा है। थोड़ा सा दूर जाके इनको साइड से दिखा दे किस तरह से हो रहा है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे रिकॉर्डिंग होगी। अब यहाँ पे इसकी लाइट भी टेस्ट कर लेते हैं, लाइट की किस तरह से काम करता है लाइट, ठीक है। तो यहाँ पे हम आएगा रूम में, ठीक है, जिससे कि आपको सब कुछ सही से दिखा सके, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो अभी कोई लाइट नहीं जल रही, जैसे मैं यहाँ पे बैटरी की तार जोड़ता हूँ आप वहाँ कैमरे में देखना किस तरह का हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो कितनी सारी लाइट आ गई है, ठीक है, बहुत अच्छी है, और बिल्कुल आप रात में अंधेरे में वीडियो बना सकते हो, ठीक है, इससे, और आराम से देख सकते हो, सब कुछ दिख रहा है, यहाँ तक कि इस मोबाइल में भी क्वालिटी अच्छे से दिख रही है, बल्कि इसमें तो कुछ भी क्वालिटी अच्छी नहीं है, ठीक है। अगर मैं जिससे शूट हो रहा है वो लगा दूँ तो कमाल की क्वालिटी नज़र आएगी। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे आप जो भी दिखा रहे हो दिखा सकते हो। एक और बात, आप अगर ज़्यादा एरिया कवर करना चाहते हो इसको और ऊँचा थोड़ा बना सकते हो, यहाँ पर लगा सकते हो, ठीक है, वो आप पे भी डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर देख लो इतना भी एरिया काफ़ी है वीडियो बनाने के लिए, ठीक है, यहाँ पर जितना भी आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है यहाँ पर सारी चीज़ें बनाकर दिखा सकते हो। तो कुछ इस तरह से काम करता है अगर हम लाइट बंद कर दें, ठीक है, आप वहाँ पे देखना क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, ठीक है। अगर हम लाइट बंद कर दें तो कुछ इस तरह से ये बाहर की रोशनी आ रही है, ठीक है। तो फिलहाल तो अगर पूरा बंद भी कर देंगे तो फिर पूरा अंधेरा हो जाएगा, लेकिन हाँ लाइट जलने के बाद यहाँ पर कुछ अलग ही इफ़ेक्ट आपको दिखाई देगा, हर चीज़ बढ़िया से दिखाई देगी, ठीक है। एक और बात, अगर आप एक्सटर्नल लाइट नहीं भी लगाना चाहते हो तो यहाँ पर बस फ्लैश लाइट जैसे इसका ऑन है, और मैं यहाँ पर अगर वीडियो बनाना शुरू करूँ तो देखो ये इसके फ्लैश से बन रहा है, तो ये भी बहुत बढ़िया है, ठीक है। देख लो इसके फ्लैश जल रहा है मोबाइल का यहाँ पे, ठीक है। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे वीडियोस बना सकते हो आप, ठीक है, और यहाँ पे कुछ इस तरह से काम करता है, सेटअप भी काफ़ी सही सा लग रहा है देखने में, ठीक है। बस इसको थोड़ा मजबूती से आप लगा लेना तो आपका काम यहाँ पे हो जाएगा, बाद में इसको रोटेट कर सकते हो इधर या उधर, ठीक है, अपने हिसाब से, और चाहो तो ऐसे वाला भी बना सकते हो इधर रोटेट करने वाला, लेकिन कोई बात नहीं, मुझसे नहीं बनाया था। और अब देखो आप अपने वर्किंग टेबल में बाद में पढ़ाई भी कर सकते हो, ठीक है, मोबाइल जैसे मान लेते हैं मोबाइल का काम तो नहीं रहेगा, तो मोबाइल अगर आप निकाल लोगे तो यहाँ पे पढ़ भी सकते हो, कोई भी काम कर सकते हो मतलब, ठीक है। इस तरह से आपका वीडियो शूट करने का सबसे अच्छी चीज़ बन गई है। वैसे इस तरह की कुछ वीडियो थी, उम्मीद है आपको वीडियो में मज़ा आया होगा, और ये सेटअप आप बना सकते हो। बहुत सारे यूट्यूबर्स मेरे से पूछ रहे थे कि भाई हम किस तरह से वीडियो बनाएं, हमारे पास कोई कैमरा मैन नहीं है, तो हम किस तरह से अपनी वीडियोज़ को बना सकते हैं। तो आप इस तरह से इस सेटअप को बना लेना, बहुत ही आराम से आप वीडियोज़ को बना सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना इसी तरह के और प्रोजेक्ट वीडियोस देखने के लिए। उम्मीद है आपको प्रोजेक्ट पसंद आया होगा, और वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और आपसे क्या कहूँ मैं, आज की वीडियो में इतना ही, किसी दूसरी वीडियो में मिलते हैं, और मिलने के लिए सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय।